गोदाम में आग लग गई, इलेक्ट्रॉनिक गोदाम में आग लगी है, लाखों का माल जलकर खाक हो गया। आग लगने का कारण अज्ञात है, आग बुझाने में जुटी है फायर ब्रिगेड की टीम। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहां आग लगी है सतना में एक इलेक्ट्रॉनिक गोदाम में, लाखों का माल जलकर खाक हो गया, कारण अज्ञात है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहां पर भयावह आग की लपटें लगी हुई हैं और इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि इतनी भयानक यहां पर आग लगी हुई होगी। सतना में ये गोदाम, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक गोदाम था, ये आप समझ सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यहां पर रखे गए होंगे और ऐसे में लगातार जब आग लगी तो आग फैलती चली गई और इस आग को काबू पाने में कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा, लेकिन लाखों का माल जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची हुई है। शिवेंद्र हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े। शिवेंद्र, अभी वहां पर क्या स्थिति है? देखिए, आग पर अब आंशिक रूप से काबू पा लिया गया है, आग नहीं फैली हुई है, गोदाम तक सीमित है जहां आग बुझाने का प्रयास लगातार जारी है। और ये लक्ष्मी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान का गोदाम था और इसी के ऊपरी हिस्से में परिवार कमर नागवानी परिवार रहता था, जिनकी जगत देव तालाब में दुकान है, यहीं पे ये आग लगी हुई है। आग भीषण लगी हुई है और फायर ब्रिगेड और पुलिस का अमला आग बुझाने में जुटा हुआ है। जी, कितना और समय लग सकता है और क्या कुछ और गाड़ियां फायर ब्रिगेड की बुलाने की नौबत आएगी? दमकल के वाहन आग बुझाने में लगे हुए हैं और लगभग 1 से 1.5 घंटे के अंदर आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया जाएगा। जो दमकल कर्मी है और छत के जो खिड़कियां हैं उसको तोड़ के अंदर प्रवेश किए हैं और वहां पर ऊपरी हिस्से में आग फैलने से रोक लिए हैं और गोदाम धोकर जल रहा है, जिसपे बुझाने का प्रयास लगातार जारी है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए शिवेंद्र। वहीं अभनपुर में भी यात्री बस में आग लग गई, एसी का पाइप फटने से आग लगी, बस जलकर खाक हो गई। बस में सवार थे 35 यात्री, सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। जगदलपुर से रायपुर जा रही थी बस, रायपुर अभनपुर मार्ग पर यह हादसा हुआ है, एसी का पाइप फटने से यहां पर आग लग गई। तो बाहर भीषण गर्मी की मार और भीषण गर्मी में लगातार आग लगने की घटनाएं सामने आ रही है। ये बस को जलते हुए आप यहां पर देख सकते हैं। गनीमत रही कि सभी यात्री सुरक्षित हैं, उन्हें सकुशल बस से नीचे उतार लिया गया था। बस में करीब 35 यात्री सवार थे। कहा यह जा रहा है कि एसी का पाइप फटने से बस में आग लग गई। जगदलपुर से रायपुर ये बस जा रही थी और रायपुर अभनपुर मार्ग पर यह हादसा हुआ। अगली खबर पन्ना से है, जहां एक चलती कार में आग लग गई, बाल बाल दो लोगों की जान बच गई। कार सवार वक्त रहते गाड़ी से नीचे उतर गए, पूरी तरह जलकर कार खाक हो गई। सिहोरा से अमानगंज कार जा रही थी, बीरमपुरा मोड़ के पास ये हादसा हुआ। तस्वीरें आप देख सकते हैं, दो लोग इस गाड़ी में सवार थे, वक्त रहते वो गाड़ी से नीचे उतर गए। गनीमत रही कि उनकी जान बच गई। पन्ना में इस गाड़ी में आग लगी। अगली खबर शिवपुरी से है, जहां पर डंपर में आग लग गई, गैरेज में खड़े डंपर में आग लगी। आग लगने की वजह साफ नहीं है, बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। वही बड़वानी में चारे से भरी गाड़ी में आग लग गई, लाखों का चारा जलकर खाक हो गया। अज्ञात कारणों से गाड़ी में आग लग गई, कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया गया। अंजड़ थाना क्षेत्र की यह घटना है, जहां पर चारे से भरी गाड़ी में आग लग गई, लाखों का चारा जलकर खाक हो गया और आग कैसे लगी अभी यह साफ नहीं हो पाया है। कड़ी मशक्कत से आग पर
काबू पाया गया। अगली खबर बिलासपुर से है, जहां पर भीषण गर्मी का साइड इफेक्ट देखने को मिला है। भीषण गर्मी और ओवरलोड से ट्रांसफार्मर में आग लग गई। शहर में पावर सप्लाई ठप हो गई। पहले भी कई ट्रांसफार्मर में आग लग चुकी है। शहर के शनिचरी रपटा के पास की यह घटना है। ग्वालियर में पुलिस ने बदमाशों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इस बार फिल्मी स्टाइल में फायरिंग करने वाले बदमाशों का जुलूस निकाला गया। एक बदमाश ने एक घर के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी, जिसकी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। अब पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर जुलूस निकाला है। बता दें कि इससे पहले पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। अगली खबर राजनांदगांव से है, जहां लोकसभा चुनाव में सबसे युवा प्रत्याशी रहे विशेष धाम गाय की मौत हो गई। लोकसभा चुनाव 2024 में धाम गाय बतौर निर्दलीय प्रत्याशी उतरे थे। 25 साल के थे विशेष धाम गाय। बीमारी के चलते उनका निधन हो गया। तो ये खबर आपको बता रहे हैं, राजनांदगांव से लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार के तौर पर उतरे थे विशेष धाम गाय। अगली खबर दुर्ग से है, जहां उत्पाती बंदर का वन विभाग ने रेस्क्यू किया। घर में घुसकर बंदर ने यहां उत्पात मचाया। परिवार 4 घंटे तक परेशान होता रहा। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू किया। एक सप्ताह से बंदर का उत्पात यहां पर देखने को मिल रहा था। इससे आसपास के लोग परेशान थे। कई लोगों पर यह हमला कर चुका था। 4 घंटे तक एक परिवार को उसने अपना बंधक बनाकर रखा, क्योंकि घर में यह घुस आया था और लगातार उत्पात मचा रहा था। आगर मालवा में 3 तलाक का एक मामला सामने आया है। आगर मालवा में एक शख्स ने अपनी पत्नी को 3 तलाक दे दिया, जिसके बाद पीड़ित ने महिला थाने में मामला दर्ज कराया है। महिला ने अपने पति, सास ससुर और ननद के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। साल 2010 में महिला की शादी हुई थी। महिला का आरोप है कि शादी के बाद से उसका पति, सास ससुर और ननद उसे प्रताड़ित करते थे। पुलिस ने मुस्लिम विवाह संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।